नमस्कार, टेबल ट्रीट विद सुतापा में सबका स्वागत है। आज मेरे किचन में बनेगा बंगाल का एक बहुत फेमस स्ट्रीट फूड मुगलाई परांठा या मुगलाई परोटा। परांठे के लिए 1.5 कप मैदा लिया है, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक मिलाया, फिर 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला और 2 टेबलस्पून दही डाल दिया और इन सबको मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेना है हमें। कहा जाता है मुगलाई परांठा के जो क्रिएटर थे वो जहांगीर के कुक आदिल हाफिज उस्मान थे और वो वेस्ट बंगाल के बाड़वान डिस्ट्रिक्ट से आए थे। तो चलिए, हमारा ये सॉफ्ट डो बन गया है और हम इसको ढक के 30 मिनट्स तक रख देंगे। फिर हम इसका फिलिंग बनाएंगे, चिकन का फिलिंग। इसके लिए हमने तेल ले लिया और उसमें 1 मीडियम साइज़ के अनियन को फाइनली चॉप करके डाल दिया और उसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने अपने स्वाद अनुसार ग्रीन चिली डाल दिया और उसको थोड़ा सा सौते कर ली। फिर उसके बाद हमने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और इसको अच्छी तरह से हमें भुनना है, इसका बिल्कुल कच्चापन निकल जाए इतना तक। अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर वो भी एज पर टेस्ट, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन सबको मिला लेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसको भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भुनना है। फिर हमें 250 ग्राम चिकन कीमा डालना है और उसको सारे मसाले के साथ मिला लेना है। एक टीस्पून गरम मसाला मिलाना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिला के लो हीट में इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए हमें पकाना है। चिकन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, एकदम सूख जाना चाहिए। अब परांठा बनाना शुरू करें। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा साइज़ का परांठा बनाना है, जो हमारा बिल्कुल आउटर लाइन है, करीब करीब उतना ही बड़ा परांठा हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें जो डो लेना है वो भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा डो लेना है और इतना बड़ा एक परांठा बेल लेना है हमें, पतला होगा बहुत। फिर इसके बीचों बीच हमारा जो चिकन का फीलिंग है वो हम डाल देंगे और 2 मुट्ठी भर जेनरसली डालिए। हमने 2 अंडे को थोड़ा सा नमक डाल के बीट करके रखा, वो अंडा थोड़ा सा हमें इसमें मिला देना है, पूरा नहीं, थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर हमें कच्चा प्याज डालना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। एकदम एक पार्सल की तरह हमें फोल्ड करना है और फ्राई करने के टाइम ये जॉइंट वाला पार्ट पहले फ्राई करेंगे। इसको मीडियम हॉट ऑयल में दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर ले और फ्लिप करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान से फ्लिप करें, ये परांठा बहुत हेवी होता है, फटना नहीं चाहिए। तो बस रेडी हो गया हमारा मुगलाई परांठा और या बंगाली में मुगलाई परोटा। इसको बंगाल में एक बहुत सिंपल सा आलू के सब्ज़ी के साथ सर्व किया जाता है। आप भी ऐसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा मेरा ये रेसिपी।